आज पुनः बहुत ही विस्तृत रूप से लॉकडाउन के अनुपालन की समीक्षा की और प्रत्येक जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के लिए यह निर्देश दिया कि फील्ड में तैनात सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मंडी और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग करें। यह सुनिश्चित वो करें कि आवश्यक सामग्री की सप्लाई चेन में जुड़े वाहन को छूट का दुरुपयोग ना हो और यह जारी किया जाए। और ये मैं पूरे प्रदेश के लिए कहना चाहूँगा कि बॉर्डर पर या किसी मुख्य मार्ग पर अगर किसी ट्रक में जानबूझकर सवारी बैठाई जाएगी तो ऐसे ट्रकों को जब्त कर लिया जाएगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है वो पुलिस विभाग और सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों के लिए है कि हर हालत में यदि ढोते हुए कहीं भी कोई भी वाहन छोटा या बड़ा अवैध रूप से ले जा रहा है तो ऐसे वाहन को भी जब्त कर लें। तो ट्रांसपोर्टर्स और इस प्रकार के जो भी ड्राइवर्स हैं उनको ये चेतावनी रहेगी कि वो किसी भी तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें, जो हिदायत है उसको फॉलो करें। केवल ड्राइवर और क्लीनर गाड़ी में रहेगा, लौटते टाइम भी अगर गाड़ी खाली जाएगी तो कोई और व्यक्ति उसमें नहीं बैठेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और निर्देश ये दिया है कि जो क्वारंटाइन सेंटर हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान दिया जाए और क्वारंटाइन सेंटर्स में खान पान की व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था, वहाँ पर सोने की और अलग अलग व्यवस्था जो है उस पर भी उन्होंने समीक्षा की और आदेश दिया कि ऐसे सभी क्वारंटाइन सेंटर्स को वरिष्ठ अधिकारी यानी जिलाधिकारी स्वयं भी, पुलिस अधीक्षक स्वयं भी, CMO भी जाकर देखें और कहीं भी वहाँ पर दिक्कत न हो। यदि कोई क्वारंटाइन सेंटर चिकित्सा अधिकारियों या नर्सों के लिए है उस क्वारंटाइन सेंटर की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें जिससे कि किसी भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी को, किसी भी हमारे डॉक्टर को, किसी भी हमारे नर्स को या और पैरामेडिकल स्टाफ को दिक्कत ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय आज ये दिया है कि 20 या 20 से अधिक जो कोरोना पॉजिटिव के जनपद हैं वहाँ एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी प्रदेश स्तर से जाएगा, एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से जाएगा और ऐसे जनपदों में ये जो अधिकारी सीनियर जाएंगे ये कम से कम एक सप्ताह कैंप करेंगे और एक सप्ताह जनपद में कैंप करते हुए वहाँ की पूरे लॉकडाउन की व्यवस्था, वहाँ के स्वास्थ्य संबंधी कार्यों की व्यवस्था, वहाँ पर जो भी कैंप संचालित हो रहे हैं उनकी भी व्यवस्था देखेंगे। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि ऐसे जो 20 या 20 से अधिक वाले जनपद हैं अगर उसी जनपद में मंडल स्तर पर IG या DIG तैनात नहीं है और ऐसा जनपद है जहाँ वरिष्ठ कोई पुलिस अधिकारी नहीं है तो IG स्तर का भी एक अधिकारी जो है ऐसे जनपदों में भेजा जाएगा। इस पुलिस अधिकारी के लिए भी लॉकडाउन की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश उनके द्वारा दिया गया। तो 20 या 20 से अधिक कोरोना पॉजिटिव के करीब 15 जनपद आज हैं, लेकिन नोएडा में CO ग्रेटर नोएडा पहले से समीक्षा कर रहे हैं तो उसको छोड़कर बाकी 14 जनपदों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के लिए 15 अधिकारी जो है फील्ड में जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कम्युनिटी किचन, डोर स्टेप डिलीवरी, खाद्यान्न वितरण की नवीनतम जानकारी भी ली है और मुझे बताने में बहुत प्रसन्नता इस बात की है कि जो खाद्यान्न वितरण का अभी तक काम हुआ है उसमें काफ़ी मात्रा में अब खाद्यान्न द्वितीय चक्र में बट गया है। अब तक राशन कार्ड जो है 3,56,00,000 है जिनमें से 3,14,00,000 यानी 88% राशन कार्ड पर द्वितीय चक्र में खाद्यान्न बट गया है। अर्बन एरिया में भी बट गया है और रूरल एरिया में भी बट गया है और जो 14,33,00,000 यूनिट्स है उनमें से 13,10,00,000 यूनिट पे यानी 91% यूनिट पर भी
खाद्यान्न जो है दिलवा दिया गया है, और जो 7,10,000 मेट्रिक टन का खाद्यान्न का अलॉटमेंट है उसमें से 6,55,000 मेट्रिक टन यानी 92.29% खाद्यान्न उठा लिया गया है। तो द्वितीय चक्र में भी खाद्यान्न वितरण में कहीं कोई कमी नहीं रही है, और इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है समीक्षा आज की और इसको भी कंप्लीट करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि आज एक महत्वपूर्ण निर्णय है कि 1 मई से प्रारंभ होने वाले खाद्यान्न वितरण के कार्यक्रम में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुराने राशन कार्ड धारकों के साथ साथ नए राशन कार्ड धारकों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए, और 1 मई से फिर से खाद्य और रसद विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया है कि अंत्योदय के कार्ड धारक को 20 किलो प्रति कार्ड गेहूं और 15 किलो प्रति कार्ड चावल, कुल मिला के 35 किलो जो है प्रति कार्ड खाद्यान्न दिया जाए, और बाकी अन्य श्रेणी में जो लाभार्थी हैं मनरेगा, पंजीकृत निर्माण श्रमिक, ठेला खोंचा, ई रिक्शा वाले श्रमिक, सभी को प्रति यूनिट जो है 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल यानी 5 किलो खाद्यान्न प्रति यूनिट उनको भी दिया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है कि फिर से द्वितीय चक्र में निःशुल्क जो है खाद्यान्न की व्यवस्था 1 मई से की गई। मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि शेल्टर होम कम्युनिटी किचन को नियमित तौर पर सैनिटाइज भी किया जाए, शेल्टर होम में रह रहे सभी व्यक्तियों का पूल टेस्ट भी किया जाए, और कम्युनिटी किचन में गुणवत्ता भी भोजन का दिया जाए। जो मुख्यमंत्री जी की पीड़ित सहायता कोष कोविड फंड केयर फंड स्थापित करने की बात का जो आदेश हुआ है, इस फंड के धनराशि के उपयोग के लिए कोविड से बचाव और उपचार के लिए फंड की धनराशि को टेस्टिंग L1, L2, L3 अस्पतालों के व्यवस्था, सुदृढ़ीकरण, लॉजिस्टिक और PPE किट और N95 मास्क के लिए भी निर्देश पुनः आज दिया गया है। फंड की धनराशि से PPE क्रय करते हुए इमरजेंसी सेवाओं में प्रारंभ करने के लिए जिलाधिकारियों को और जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। उनके द्वारा यह भी आदेश किया गया है कि संक्रमण सभी जनपदों में कहीं ना हो, ऐसे में उन जनपदों में विशेष रूप से ध्यान रखा जाए जहां संक्रमण का प्रभाव है, और वहां PPE और N95 मास्क का अवश्य उपयोग किया जाए। इस समय तक प्रदेश में जो हमारे एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या 1299, कुल केसेस 1507, उनमें से 1507 टोटल केसेस, इनमें से एक्टिव केसेस 1299 जो हम पूरी तरह उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके उनकी संख्या 187, और जो जिनके दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है उनकी संख्या 21। तो इससे आप ये देखेंगे कि जो ठीक होकर के डिस्चार्ज हो रहे हैं उनकी संख्या लगातार अब बढ़ती जा रही है, और हमारी ये पूरी कोशिश है जो हमारा 3-tier आर्किटेक्चर है उसके माध्यम से हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम लोगों को सही समय पर सही चिकित्सा उपलब्ध करवाएं जिससे कि वो उपचारित होकर के वापस स्वस्थ होकर अपने घर लौट सकें। टोटल जनपद 56, इनमें से जो एक्टिव केसेस जिनमें रह गए वो केवल 45, 11 जिले ऐसे हैं जिनमें एक्टिव केसेस नहीं है, इनमें एक्टिव केसेस 0 है। जो भी केसेस आए थे उनका उपचार हो गया, वो डिस्चार्ज हो गए, तो आज की तारीख में उनमें एक्टिव केसेस नहीं है। तो केवल 45 जिलों में इस समय एक्टिव केसेस हैं, 30 जनपदों में एक्टिव केसेस नहीं है। जो तबलीगी जमात से या उनके संपर्क में आए
या जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उस तरह की कुल संख्या जो है वो 938 तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लगातार निरंतर लोग स्वस्थ होकर के लोग अपने घर जा रहे हैं। और जैसा हम लोग बार बार शुरू से कह रहे हैं कि इस बीमारी से घबराने की आवश्यकता नहीं है, इससे हमें सावधान रहना है। और जो आपका सहयोग मिल रहा है, जो आपके माध्यम से हम लोग बार बार लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, और लोग बाग जब भी बाहर निकल रहे हैं अपने चेहरे को कवर करके चल रहे हैं, फेस कवर लगा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमें इसका भी लाभ अपने प्रदेश में मिल रहा है। और इस यही वजह है कि अब हमारे जो नंबर्स हैं वो स्टेबलाइज हो गए और उनमें थोड़ी कमी भी हमको देखने को मिल रही है। जो टेस्टिंग की बात होती है, टेस्टिंग हमारे यहाँ कल जो है कुल 3737 सैंपल भेजे गए, 3737 सैंपल्स जिलों से कलेक्ट करके भेजे गए प्रयोगशालाओं को, और प्रयोगशालाओं ने कल यहाँ रिकॉर्ड टेस्टिंग की है, 3955 सैंपल टेस्ट किए गए। तो जो हमारा जो बैकलॉग पड़ा हुआ था, अब वो भी धीरे धीरे हमारा क्लियर हो रहा है। पूल टेस्ट लगातार चल रहा है, और पूल टेस्ट में अब KGMU लखनऊ, SGPGI लखनऊ, लाल लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ और मेडिकल कॉलेज सफाई, चार प्रयोगशालाओं के द्वारा कल पूल टेस्ट किए गए। और पूल टेस्ट में कुल मिलाकर के 812 सैंपल पूल के द्वारा टेस्ट किए गए। जो लोग आइसोलेशन वार्ड्स में इस समय एडमिटेड हैं, उनकी संख्या है 1584, और क्वारंटाइन फैसिलिटी में मरीजों की संख्या, जिनको हम लेकर आते हैं जो पॉजिटिव के कांटेक्ट होते हैं या जिनमें थोड़े बहुत विलक्षण दिखाई पड़ते हैं, उनकी संख्या 11826। क्वारंटाइन बेड्स की संख्या बढ़कर के 16869 हो गया है, जिसको हमने अरेंज किया हुआ है लोगों के लिए 16,869। और आइसोलेशन बेड्स की संख्या हमारी अभी लगभग 10,000 है, आवश्यकता पड़ने पर इसको हम और एक्सपेंड करेंगे। तो ये कुछ आंकड़े आपके सामने मुझे रखने थे, और जैसा आपको अभी अपर मुख्य सचिव सूचना ने बता दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि निर्देशित किया है कि जहां भी 20 या ज़्यादा केसेस हैं वहां पर एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी भेजा जाएगा। उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, आज ही आदेश जारी हो जाएंगे किनको किन जिलों में जाना है, और वो कल वहाँ पहुँच जाएंगे।